गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ढोकला, बहुत ही सॉफ्ट जैसे बाजार में मिलता है और ये बिल्कुल तला हुआ नहीं होता। तो आई गेस सबको बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो तला हुआ अवॉइड करते हैं, लाइक माय मॉम। सो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी जो लिया है बेसन लिया है, इसको हम सबसे पहले छानी की हेल्प से छान लेंगे। तो इससे क्या होगा, हवा भरेगी और हमारा जो ढोकला है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा और फूल देगा। तो यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन को सबसे पहले छान लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 स्पून सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप बहुत इजीली मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं वहाँ से। और 1 चम्मच मैंने यहाँ डाली है पिसी हुई चीनी, आप चीनी को या तो पीसो या भूरा का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मैंने 1/3 चम्मच नमक डाला है और 1/4 स्पून हल्दी, इसको भी हम छान लेंगे अच्छे से। और ये जो हमारा मिक्सचर है उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम डालेंगे 1 स्पून ही रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन में ये सब इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और इसके साथ साथ मैं डालूँगी पानी। पानी जो है वो हमें ध्यान रखना है, धीरे धीरे करके डालना ताकि कोई लम्स ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, तो 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी हमें पानी लेना है। तो बस हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो हैं बिल्कुल सही होने चाहिए, मतलब जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, क्वांटिटी हमारी बिल्कुल परफेक्ट होएगी तो हमारा जो ढोकला है बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा। तो हमें धीरे धीरे करके 1 कटोरी बेस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें अच्छे से इसे फेंटना है। तो बस ध्यान रखें, हमें जो फेंटना है ऐसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटें ताकि जो इसमें हवा है वो भर जाए और हमारा जो ढोकला है बहुत फ्लफी बने, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बने, जैसे बिल्कुल बाहर हमें रेस्टोरेंट में मिलता है। तो ऐसा करने से हमारा जो ढोकला है बहुत 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 ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल बाहर जैसा लगेगा ही नहीं कि हमने घर में बनाया है। ये देखिए हमें एक डायरेक्शन में फटाफट से फेंटना है, तो लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें फेंटना है। और अब हम रखेंगे इसको रेस्ट करने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए। जो ढोकला हमारा हो गया रेस्ट, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इनो। तो ये जो पैकेट हमारा छोटा वाला आता है वो 1 चम्मच ही होता है, तो मैं सारा डाल रही हूँ। 1 कटोरी बेसन में हमें 1 पैकेट का यूज़ करना है। इसको हमें फिर 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इनो है वो सब पूरे बैटर में मिक्स हो जाए अच्छे से। बस हमारा जो अच्छा है इनो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप 1 कंटेनर को अच्छे से ग्रीस करके उसमें ढोकला को, हमारे ढोकले बैटर को अच्छे से डाल दें। वो हमारा ढोकला बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए आपको उसे लो फ्लेम पे पकाना है और हमारा ढोकला हो जाएगा तैयार। आप कोई भी स्टीमर ले सकते हो या प्रेशर कुकर कुछ भी ले सकते हो। आपको नीचे रखना है स्टैंड, टैप करके एक बार नीचे स्टैंड या प्लेट रख सकते हो, थोड़ा सा पानी नीचे डाल के आपको इसको पकाना है ढोकले को लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए। जब तक हमारा ढोकला रेडी हो रहा है उसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है, उसके साथ मैंने मिर्ची डाली ताकि मिर्ची का जो तीखापन है वो भी बना रहे और ज़्यादा तीखे भी ना लगे। तो सबसे पहले हमने मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून डाली है राई, और राई स्प्रिंकल हो रही है तब तक। तब हमें डाले हैं थोड़े से कड़ी पत्ते, साथ साथ कड़ी पत्ते डाले हैं। और उसके साथ साथ मैंने डाला है अब 2 कटोरी पानी। तो मैंने जो कटोरी लिया वही कटोरी लिया जो हमने बेसन को मेजरमेंट के लिए ली थी। तो हमारा जो मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी ली है वो बिल्कुल सेम ही है। तो उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी। आप चीनी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। और उसके साथ साथ मैं डालूँगी 1 चम्मच नींबू का रस। तो हमें तड़के को अच्छे से पका लेना है, तड़के को भी कच्चा नहीं रखना ना ही हमें ज़्यादा पकाना है। ये देखिए हमारा ढोकला है वो भी रेडी हो चुका है, 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है, हमें गर्म गर्म ढोकले में पानी नहीं डालना। पानी को भी जो हमारा तड़का है वो उसको भी ठंडा करना है और ढोकले को भी ठंडा करना है। तो ढोकले को आप ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख सकते हो, ज़्यादा जल्दी है तो आपको, नहीं तो आप फ्रिज में रख के, अगर आपको 3-4 घंटे फ्रिज में रख दो नॉर्मल, पहले पंखे ठंडा करके उसके बाद फ्रिज में रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ही आप पानी डालना, तभी आपका जो ढोकला है वो सॉफ्ट बनेगा। ये मेरी टिप थी एक, आप गर्म में डालोगे तो आपका ढोकला जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो हम पहले इस पर धनिया डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे तड़का हमारा। तो मैंने ढोकला को ठंडा कर लिया था फ्रिज में, उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये तड़का हमारा। तड़का भी मेरा जो ठंडा है, तो हमें दोनों चीज़ें ठंडी करनी है, वार्म या नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। तो हमें दोनों चीज़ें ठंडी कर ली हैं, इसके बाद हमारा तड़का, ये देखिए हमारा जो ढोकला है वो बहुत टेस्टी बनेगा।
इनफैक्ट बन चुका है यार, बहुत ही स्पॉन्जी है ये, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। वाह, देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल बाहर जैसा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।